चुनाव का चौथे चरण का मतदान आज कानपुर में हो रहा है। हमारे पास सदस्य विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं और आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने आज वोट डाला है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में यह हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वोट डाले जाए। आपका वोट सरकार को तय करता है, सरकार देश के भविष्य को तय करती है, सरकार प्रदेश के और देश के विकास को तय करती है। आज उस चुनाव में हम सब लोगों को विश्वास के साथ वोट डालने के लिए निकलना चाहिए और वोट भारत के भविष्य के लिए, वोट इस बात को विचार करके 75 साल की आजादी में किसने क्या दिया, किस कालखंड के अंदर क्या, वोट इस बात को लेके कि मजबूत नेतृत्व चाहिए कि मजबूर नेतृत्व चाहिए, वोट इस बात के लिए कि आपस में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए प्रमाण देते थे, आज वो सारे लोग इकट्ठे हुए। इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा कि 10 वर्षों के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन में छुट्टी नहीं ली। अर्निश भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा करिए, आपका वोट उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल राष्ट्र के लिए। सर, यूपी में कितने वोट, कितनी सीटें आ रही है? 80 में से 80। और देश में 400 बार। देखिए, ये तनीष महाना से इनका मैं खास बात करेंगे। इनका कहना है यूपी में 80 से 80 सीटें हम जीत रहे हैं और पूरे देश में 400 पार करेंगे। मोदी का नारा बिल्कुल सत्य करके दिखाएंगे। एबीसी से कानपुर के लिए मैं सर्वेश सैनी।